रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज हम सेफली कर सकते हैं और स्पेशली स्पोर्ट्स, कौन सी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हम सेफली कर सकते हैं? हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, गुड़गांव से। आज बात करते हैं स्पोर्ट्स आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट। तो जैसे जैसे और यंग और एक्टिव लोगों में हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है, वैसे वैसे ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे निकल के आ रहे हैं जो पहले इस आर्थराइटिस या एवास्कुलर नेक्रोसिस या ऐसी कोई भी फ्रैक्चर, ऐसा कोई भी कारण जिसके कारण हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा, उससे पहले वो बहुत ही फिट और एक्टिव थे, बहुत एक अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल कर रहे थे और कुछ स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व थे। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि क्या हिप रिप्लेसमेंट कराने के बाद हम ये सब कर पाएंगे, क्या हमारी लाइफ पहले जैसी हो पाएगी कि नहीं। तो आज ऐसी कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं रहती। तो ऐसी सर्टन पोजीशंस कह सकते हैं, सर्टन एक्टिविटीज कह सकते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब हिप रिप्लेसमेंट का एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट है जिसकी एक लाइफ है, वो हम अच्छे से अच्छा इम्प्लांट यूज करते हैं जो अनसीमेंटेड इम्प्लांट है, जिसमें हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन है कप के अंदर और जिसकी बॉल्स बायोलॉक्स सिरामिक की है। इसका वेयर रेट यानी घिसने का रेट सबसे कम पाया गया है और इसकी लाइफ भी 30 से 35 साल रह सकती है, बट इसके लिए बहुत कुछ आइडियल होना भी जरूरी है। जैसे पेशेंट का वेट, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो जितनी आप नॉर्मल एक्टिविटीज भी करते हैं उससे भी इस पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस पर रनिंग, जंपिंग या बहुत हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स करेंगे तो इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जल्दी घिस जाए या ये लूज हो जाए या वो उसका प्लास्टिक घिस जाए, पॉलीथीन घिस जाए। तो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका जनरल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपका वेट कंट्रोल में होना चाहिए, तभी हम कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी के बारे में भी आगे एंटिसिपेट कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको आपको डाइटिंग से या जनरल एक्सरसाइज से कम करना है। तो क्या चीज़ें जो नहीं करनी है? सर्टेन ऐसी पोजिशंस यानी कि डीप स्क्वाट्स, यानी कि नीचे ज़मीन पर बैठ जाना, क्रॉस लेग बैठ जाना, ये आपको शुरू में कम से कम 6 महीने के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करना है और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में कभी कभार आपको ये करना पड़ जाए तो ये कर पाएंगे। बट ये नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे करने से आपके इम्प्लांट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, उस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा और उसके कारण उसका घिसने का चांस ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह से कौन सी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि ऐसे इम्पैक्ट एक्टिविटी जिसमें आपको बहुत भागना पड़ता है, आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके हिप्स पर, आपके जॉइंट्स पर पड़ता है, आपकी लोअर लिम्ब पर पड़ता है, उसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, सिंगल्स टेनिस अगर खेलते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज ज़्यादा हाई डिमांड होती है। तो इवन रनिंग, अगर आप फुल टिल्ट रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपके उसके इम्प्लांट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालती है। तो ये हमें एक्टिविटीज़ मोटे मोटे अवॉइड करनी होती है। ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स और ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम सेफली कर पाएंगे? अब वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक बेयर मिनिमम और बेसिक एक्टिविटी है और वो बहुत जल्दी आपकी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी शुरू हो भी जाती है। तो आप इवन लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कर सकते हैं, बहुत सेफली कर सकते हैं, और जिन लोगों को वॉकिंग का शौक है वो विद इन फर्स्ट 6 वीक्स अपनी नॉर्मल मॉर्निंग वॉक से इवनिंग वॉक्स पे जाना शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह से कोई ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहे तो ब्रिस्क वॉकिंग भी बहुत सेफली अलाउड है। इस तरह से जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है एक्सरसाइजेस से, आपकी हिप मसल्स, आपकी नी मसल्स नॉर्मली स्ट्रेंथ पे आ जाती हैं और कोई डिफॉर्मिटीज नहीं रहती हैं, तो लाइट जॉगिंग भी जो है की जा सकती है। तो जो वॉकिंग आप बाहर कर रहे हैं वो आप सेफली ट्रेडमिल पर भी कर सकते हैं। तो चाहे इंक्लाइन पे वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, वो ट्रेडमिल पर भी की जा सकती है। तो ये एक्टिविटीज तो आप सेफली पहले 6 हफ्ते के अंदर अंदर रिज्यूम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं मसल्स की, जैसे जैसे हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में आते हैं, तो हम जिम में भी अपना नॉर्मल अपर लिम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हो गई, एब्डोमिनल की एक्सरसाइजेज हो गई, लोअर लिम की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में ज़्यादा वेट बेयरिंग ना हो तो ऐसी वाली एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, और ज़्यादा जंपिंग और इम्पैक्ट एक्टिविटीज ना हो तो हम जिम की वाली एक्सरसाइज भी सेफली कर सकते हैं। तो ट्रेडमिल हम सेफली कर सकते हैं, स्टेशनरी साइकिलिंग हम सेफली कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर हो गया, ये सारी हम एक्टिविटीज जिम में भी कर सकते हैं। अब स्पोर्ट्स पे जाएं तो स्पोर्ट्स में आप स्विमिंग बहुत जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप स्विमिंग रिज्यूम कर सकते हैं सेफली। इसी तरह से गोल्फ, जो गोल्फ के शौकीन हैं, जो एल्डरली हैं, इवन 50 में आजकल लोग गोल्फ खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर एक गोल्फ कोर्स पे सेफली चल के अपना स्पोर्ट्स रिज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह से किसी को हाइकिंग का, ट्रैकिंग का शौक है, तो वो 3 to 6 months के अंदर अंदर
इतनी स्ट्रेंथ पा लेते हैं कि वो ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जिनको रैकेट स्पोर्ट्स का शौक है, कोर्ट में खेलने का शौक है, वो डबल्स में डेफिनेटली खेल सकते हैं। तो जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, पिकल बॉल जो आजकल बहुत एक अपकमिंग स्पोर्ट है, ऐसी स्पोर्ट्स को डबल्स में खेलने पे आपकी रनिंग की जो अमाउंट है वो बहुत कम रहता है, बहुत लिमिटेड रहता है, तो वो आप सेफली और अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। बस आपको मेजर जो अवॉइड करना होगा जिम में भी और स्पोर्ट्स में भी, वो ये रहेगा, जिम में आप ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं उठा सकते, वो आपको यूजुअली हम डिस्करेज करते हैं। और इस तरह से स्पोर्ट्स में ऐसी स्पोर्ट जिसमें आपकी रनिंग या जंपिंग बहुत ज़्यादा हो, तो मोटे मोटा ये एक्टिविटीज़ अगर आप सारे कर लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में ले आते हैं, तो आप एक सेफली अपने आप को एक्चुअली फिट भी रख सकते हैं और एंगेज भी रह सकते हैं, और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इतनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी काफ़ी रहेगी। हिप रिप्लेसमेंट से जुड़े हुए और भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपके डाउट्स हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ें ताकि ऐसे और अपडेट्स और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।